हर घर श्री राम का नारा गूंज रहा है। अरे भारत वर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में भगवा लहरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर पर। 22 जनवरी को होने वाली अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जिसके लिए ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी कई लोग इस पवित्र भूमि में रामलला के दर्शन करने पहुंचने वाले हैं। घर घर जाकर लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है और पूरा भारत वर्ष सज रहा है। ऐसे में जहाँ एक तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान से इस मामले में घटिया बयान सामने आ रहे हैं, तो वहीं एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां करते हुए नजर आ रहा है। वो क्रिकेटर भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उतना ही इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है जितना कि और राम भक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर कौन है पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसने इस वक्त एक पोस्ट से पूरे सोशल मीडिया में पाकिस्तान को हिला डाला है और अपने धर्म और राम भक्तों को खुश कर डाला है? हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर है तैयार, अब सिर्फ 8 दिन का है इंतजार। बोलो जय जय श्री राम, ये पंक्तियां सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है और ये लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के दानिश कनेरिया है। जी हाँ, वही दानिश कनेरिया जो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं और आए दिन भारत का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए ना, जहां इन दिनों एक तरफ पाकिस्तानी राम मंदिर निर्माण को लेकर अक्सर अपनी नाराजगी या द्वेष प्रकट करते हुए नजर आते हैं, वहीं इसी पाकिस्तान से दानिश कनेरिया जो राम मंदिर को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और शायद वो अपनी खुशी अपने शब्दों में भी बयां नहीं कर पा रहे हैं। दानिश ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें वो भगवा झंडा लिए दिखाई दे रहे हैं और झंडे में भगवान राम और राम मंदिर दिखाई दे रहा है और उन्होंने ये तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर है तैयार, अब सिर्फ 8 दिन का है इंतजार। बोलो जय जय श्री राम। जब से ये पोस्ट उन्होंने डाला है तब से खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दानिश भारत आ रहे हैं? क्या वो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपस्थित होंगे? हालांकि दानिश ने इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कहा है और ना ही लिखा है, लेकिन राम भक्तों के लिए हमेशा अयोध्या का द्वार खुला रहेगा। आपको बता दें, आखिर दानिश है कौन जो पाकिस्तान में रहकर हिंदू धर्म को हमेशा आगे रखते हैं? दरअसल दानिश पाकिस्तानी हिंदू हैं और उनका जन्म कराची में हुआ था। साल 2000 से लेकर साल 2010 तक दानिश पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे। वो पाकिस्तान टीम के मुख्य स्पिन गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने नाम 261 विकेट दर्ज किए हैं और 9082 रन बनाए हैं। बात करें ओडीआई की तो ओडीआई दानिश से कुछ ज़्यादा तो नहीं खेले हैं, लेकिन उन्होंने 18 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए हैं और 683 रन अपने नाम दर्ज किए हैं। अक्सर दानिश खुलेआम अपने बारे में भी खुलकर बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो बयान देते रहते हैं कि हिंदू होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि दानिश अपने हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के लिए प्यार दिखाते रहते हैं। वैसे दानिश 22 जनवरी को भारत आए ना आए, लेकिन 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक अयोध्या में जो रामलीला का आयोजन होगा उसका प्रसारण पाकिस्तान समेत 9 देशों के टीवी चैनल में भी होगा। यानी कि घर बैठे बैठे देश विदेशों में अयोध्या की भव्य रामलीला आसानी से श्रद्धालु देख सकेंगे। बहरहाल आपका दानिश को लेकर क्या कुछ कहना है, उनके इस पोस्ट को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें।